कोशिश ये करें कि 3 महीने का इकट्ठा स्वतंत्र लें तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और उसको ऑर्गेनाइज भी करना है कि आप देखें कि हर चीज़ को इस तरह बच्चियाँ जो हैं ना, यंग बच्चियाँ इस तरह सीखें कि हर चीज़ ऑर्गेनाइज और इस तरह लेबल करके आप रखें तो आपको फ़ायदा होगा, आसानी से चीज़ मिलेगी। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। और ये सारी बोतलों के अंदर आप करें और आपको छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो भी आप कोशिश करेंगे लिख के आप रखें। कि ज़्यादा महीनों के लिए इकट्ठा सौदा लें राशन जो होता है, और जो फ्रिज की चीज़ें हैं वो हमेशा फ्रिज के अंदर रखा करें, और जो है ना बाकी चीज़ें वो आप जो है वो सारी बोतलों के अंदर रखा करें। का जो डब्बा है ना वो भी आप ड्रा के अंदर रखें, कोई भी चीज़ आपने बाहर नहीं रखनी। ये कुछ चीज़ें होती हैं उनको भी मैंने इसी तरह ये डब्बे से रख के ना गत्ते के उसके अंदर रखा हुआ, कोई भी चीज़ बगैर इसके हमने नहीं रखनी। तरीके से आप दूसरा द्रास खोलेंगे तो ये देखें ये हेयर ब्रश है, इसी तरह शापर नीचे बिछा हुआ है, ऊपर ये रखा हुआ है। सेफ्टी पिन आप या जितने भी पिन हैं वो यहाँ रख दें, इसी तरह आपकी जो बाकी चीज़ें यहाँ रखें नेल कटर वगैरह इस तरह छोटे छोटे डब्बे बना के उसमें रखें। और हत्ता कि ये जो पिन है मैंने अलग से ड्रा में रखी हैं। और ये मेरा प्यारा पाकिस्तान का फ्लैग है, इसको मैं कैसे भूल सकती हूँ। यंग बच्चों के लिए ड्रेसिंग टेबल को आप किस तरह, उसके ड्रास को आप किस तरह मेंटेन रखें ये देखें कि मैंने ये जो ड्रा के अंदर आपको ब्लू कलर की जो चीज़ नज़र आ रही है असल में शापर हैं, और ये शापर काट के आप नीचे बिछाएं, उसके बाद आप इस तरह का डब्बा गत्ते का कोई भी आपको मिल जाएगा घर में कपड़ों का वो आप रखें उसके अंदर छोटे छोटे आप देखें। तो मैंने इस तरह डब्बे जो मोबाइल के होते हैं ना वो रख दिए, इस तरह सेटिंग कर दें। हत्ता कि ये छोटा सा एक डब्बा मुझे मिला ये देखें, इसके अंदर मैंने सुइयां डाली हुई इस तरह। तो ऑर्गेनाइज करके आपने किस तरह अपने ड्रास को रखना है कि आपको एक चीज़ ढूंढनी पड़े तो आप ना हर जगह उलट पुलट ना करें। ये देखें छोटे छोटे डब्बे हैं सारे, ये इस तरह मैंने रखे हैं। और ये मेरी तस्बियाँ जो मुझे पसंद है ज़्यादा वो मैंने अपने पास रखी होती हैं, अदरवाइज़ मैंने बाकी जो तस्बियाँ हैं वो अलग कुरान पाक के साथ रखी होती हैं। इसी तरीके से आज ये खीर की जो देग है ये 400 बंदों के लिए मैंने तैयार की है। ये अपने उन प्यारे भाइयों के लिए, प्यारे पाकिस्तानी भाइयों के लिए जो कि पिछले 20 दिन से बनीगाला इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए वो सिपाही जो टेंटों के अंदर इस शदीद गर्मी के अंदर वहाँ पे रह रहे हैं और खाने का भी खुद ही अरेंज कर रहे हैं। अब ये नहीं मुझे पता कौन उनको खाना दे रहा है, लेकिन आज चौधरी अदनान साहब खाना दे रहे हैं इंशाल्लाह। आलू गोश्त की 3 देगें बनी हैं और उसके बाद नान है और खीर मैंने तैयार किए है। और आपा यास्मीन फारूकी की क्यादत में उनकी टीम जाएगी आज इंशाल्लाह ताला, और आज हम उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाएंगे। और मुझे फ़ख्र हो रहा है कि हम इस अच्छे काम में हम भी उनके साथ शामिल हुए हैं आज के दिन। जज़ाकअल्लाह। सिकंदर ज़हीर आ गए हैं बिलाखिर, और पिछले 3 महीने के बाद इनको छुट्टी मिली है, तो उस मैंने घर वालों को पिज़्ज़ा नहीं खिलाया, आज सिकंदर ज़हीर की वजह से सब पिज़्ज़ा खा रहे हैं माशाल्लाह। ये देखिए जी, ये साफ करके अपने हाथ धो गए भी, उससे साफ करके प्रिंसिपल साहब ने आपको दिया।
आप इसके यूनिफॉर्म और इसके जूते तो मैं दूंगी, उसकी किताबें तो आप फ्री देंगे ना यहाँ, बिल्कुल किताबें आपको फ्री, यूनिफॉर्म भी फ्री दे देंगे। आगे साफ रखेगा, कोई मुर्गी की दुकान दे दीजिए, आपकी ड्यूटी है। लेके भी जाऊंगा सर, ये जो जितने भी इतने बच्चे छोटे छोटे हैं, हम कोशिश करेंगे उनको सरकारी स्कूलों में लेके आए। वाह जी वाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें गमले के अंदर भी आप, माशाल्लाह इतने बड़े साइज़ का किन्नू है माशाल्लाह। ये देखें ये उतरने लगा है बिस्मिल्लाह करके, ये देखें साइज़ देखें आप,